हाई गाइज, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ एना कैरेनिना बाय लियो टॉल्स्टॉय। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा, निकोले डेथ के करीब है और जब उसको डेथ के बहुत करीब देखता है लेविन, तो उस चीज़ को बियर नहीं कर पाता। डेथ को अपने ब्रदर की वो फेस नहीं कर पा रहा है, बहुत परेशान हो जाता है। बट एक चीज़ और है यहाँ पर दिखाई गई है कि निकोले और लेविन, जनरली इन दोनों का गॉड में फेथ नहीं होता, लेकिन अब जब निकोले की डेथ होने वाली है, ऑलमोस्ट वो मरने वाला है, तो यहाँ पे देखा गया है निकोले का बिलीफ गॉड में बढ़ जाता है। और खाली निकोले का नहीं बढ़ता, लेविन का भी बढ़ जाता है। और ऐसा लाइफ में बहुत बार होता है, आदमी ज़िंदगी भर गॉड में बिलीव नहीं करता, बट जब बहुत एडवर्स कंडीशंस आती हैं, जब उसको पहली बार रियलाइज़ होता है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, चीज़ें ऐसी हैं, सर्कमस्टेंसेज ऐसे हैं जो उसके हाथ में नहीं है, और डेथ से बड़ा कुछ एडवर्सिटी नहीं है। जब ऐसा कुछ होता है ना, जहाँ पे आपका ये बिलीफ सिस्टम टूटता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, जब आपका ये बिलीफ सिस्टम टूटता है, तब आपका जो बिलीफ है वो गॉड में बनता है। ऐसा बहुत बार होता है, और मोस्टली जो एथीस्ट होते हैं ना, आप देखेंगे जब बहुत एडवर्स कंडीशंस में आते हैं लाइफ की, या लाइफ में जब वो आगे जाते हैं, स्पेशली वंस दे क्रॉस द एज ऑफ 50, तो गॉड में बिलीव करने लग जाते हैं। कि जब आदमी जवान होता है ना, 50 से पहले आप शरीर में ताकत है, जवान है, तो आदमी को बड़ा अपने ऊपर गुरूर होता है कि मैं देख लूँगा, अपने में बड़ा बिलीव होता है कि मैं चीज़ों को देख लूँगा, जो होगा मैं सारे सर्कमस्टेंसेस को मैं बियर कर लूँगा। बट 50 के बाद शरीर ढलता है, और जब शरीर की ताकत ढलना शुरू होती है तो गुरूर टूटता है, और फिर आदमी को एक फेथ चाहिए होता है, फिर आदमी को गॉड में, हायर पावर में बिलीव चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखा गया है किस तरह से जब डेथ आती है, तो जब वो गुरु टूटता है निकोले का कि मैं ही सब कुछ सही कर सकता हूँ, तब वो फिर हायर पावर में बिलीव करता है, गॉड में फेथ आता है। खाली उसका नहीं, लेविन का भी आता है। अपने सामने अपने भाई को बिल्कुल डेथ बेड पर देख रहा है, तो एकदम से सडन उसके अंदर भी चेंज आ रहा है, उसका गॉड में फेथ स्ट्रांग हो रहा है, उसका गॉड में बिलीफ आ रहा है। तो जब भी एडवर्सिटी आती है, जब ऐसे कंडीशंस आते हैं, तो बहुत बार देखा गया है आदमी की आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, नास्तिक आस्तिक बन जाते हैं। सेकंड क्या है कि अब यहाँ पे निकोले बिल्कुल ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। कुछ टाइम पहले तक, आठ दस दिन पहले तक सब उसकी पूरी परवाह कर रहे हैं कि वो कैसे भी करके बच जाए। बट जब देखते हैं धीरे धीरे हालत ख़राब होती जा रही है, ठीक है, और अब उन्हें भी लगता है कि यार हमारी बस हो गई, कब तक हम भी केयर करेंगे, तो इंटरनली सब छा रहे हैं कि बस यार अब निकोले की डेथ हो जाए। तो ह्यूमन नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक टाइम पे आप एक तरफ रो भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं कि मेरा भाई मर रहा है, मेरा अपना मर रहा है निकोले। लेविन दुखी था, लेकिन अब जब इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई है, और जब वो भी थक गया है सेवा कर करके, कब तक उसकी सेवा करेगा, कब तक उस टेक केयर करेगा, तो इंटरनली वो भी चाहता है कि ठीक है यार, लेट द निकोले गो। तो ह्यूमन नेचर में कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई गई है। डेथ को लेकर ना टॉल्स्टॉय लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट में था, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था यार कि डेथ हो सकती है इंसान की। डेथ से वो कभी भी वो नहीं हो पाया, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उसको ट्रबल करती रही लाइफ लॉन्ग। तो इसी थीम को ना इसने बहुत एलैबोरेट वे में लिखा है, डेथ ऑफ इवान इलियच। इसको मैंने अपने चैनल पर लाइव सेशन में कवर किया है, इसी किताब को, डेथ ऑफ इवान इलियच को, 1.5 घंटे का सेशन था। तो जो लोग देखना चाहते हैं, अब आपके पास अगर किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मेरा 1.5 घंटे का लाइव सेशन आप देख सकते हो। आप सर्च करोगे मेरे चैनल पे डेथ ऑफ इवान इलियच, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो जो इंटरेस्टेड है वो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब पीटर्सबर्ग में जो एलेक्सी है, एना का हस्बैंड, पावरफुल बंदा है, पॉलिटिकल उसमें था लाइन में, तो ऑब्वियसली पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है, कनेक्शन बहुत हैं उसके। बट इतने कनेक्शन होने के बाद भी उसका कोई दोस्त नहीं है, और ऐसा हो जाता है। अभी कनेक्शन बहुत होंगे, आप सबको जानते होंगे, मैं इसको भी जानता हूँ। आप बहुत फेमस और पावरफुल लोगों को जान सकते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में। अब जैसे जैसे आप सोशल हायरार्की में ऊपर जाएंगे, अभी कनेक्शन बनेंगे, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सक्सेस खींचती है, एक शहद की तरह होती है, खींचती है, ठीक है। लेकिन इतने कनेक्शन होने के बाद भी उसका एक भी कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। पर्सन कैन हैव कनेक्शंस, बट दैट डजंट नेसेसरली मीन ही हैज फ्रेंड्स एज वेल। कनेक्शंस और फ्रेंड्स होने में फ़र्क होता है। तो ही इज फीलिंग वेरी लोनली। पूरे पीटर्सबर्ग में उसको लगता है मैं बहुत लोनली हूँ, किससे अपनी बात शेयर करूँ, किससे अपने दिल की तड़प शेयर करूँ, तो बड़ा दुखी है। एलेक्सी
बचपन में उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी, ऑर्फन हो गया था, अनाथ हो गया था बहुत जल्दी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एलेक्जी को ना प्यार मिला नहीं बचपन में, तो उसको बहुत तक प्यार की समझ भी नहीं होती, इसीलिए वो एना को वो प्यार अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाया। शायद अंदर ही अंदर कुछ फीलिंग होंगी उसके अंदर, ऑब्वियसली हो सकता है उसके अंदर फीलिंग हो, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि जो चाइल्डहुड होता है ना ये बहुत इम्पैक्ट प्ले करता है, क्योंकि बचपन में उसके बहुत यंग एज में उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, उसको उसके कोई रिलेटिव है वही उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, बट ही काइंड ऑफ उसको खाना मिला, एजुकेशन मिली, सब कुछ मिला, बट प्यार नहीं मिला उसको, तो उसको प्यार की जो अंडरस्टैंडिंग है समझ होती नहीं है एलेक्जी को। ऐसा हो सकता है कि आदमी को खाना मिले, आदमी को घर मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, बट प्यार ना मिले, और ह्यूमन सोल बॉडी चलती है रोटी कपड़े मकान पे, पर सोल चलती है प्यार पे, तो प्यार के बारे में उसको ज़्यादा पता नहीं था, और वही चीज़ होती है वो उस तरह से प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ना वो, जिसकी वजह से हमने देखा कि एना फ्रांसी की तरफ फॉल करती है। तो ये हमें एलेक्जी के बारे में ही मालूम पड़ता है, तो इससे ये चीज़ मालूम पड़ती है, जब ये बोला गया था, जब एना बोलती भी है जब स्टार्टिंग पुराने वीडियोस में वो बोलती है कि वो तो प्यार के बारे में जानता ही नहीं, बट आप एलेक्जी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप उसका चाइल्डहुड देखते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि यार कैसे किसी आदमी को ब्लेम करोगे। टॉल्स्टॉय दिखा रहा है कि अगर वो आदमी ऐसा है तो उसके पीछे वजह है, वो उसको चाइल्डहुड में लेके जाता है। तो अब होता क्या है, एलेक्जी एक इंसान की तलाश में कि कोई उसको उसका ट्रू फ्रेंड बने, किसी को तो अपने दिल की बात बताए वो, क्योंकि वो बहुत परेशान है, बड़ा अकेला महसूस करता है। तो अब यहाँ पे उसकी एक फ्रेंड होती है पुरानी, लीडिया करके, तो लीडिया की एंट्री होती है, ठीक है। तो लीडिया आती है और उसको कंसोल करती है और उसको एक बात समझाती है कि एलेक्जी तुम्हारे साथ जो हुआ वो सच में मैं मानती हूँ कि वो बहुत सोरोफुल है, बड़ी दुख की बात है, बट अब इस तरह से तुम टूट नहीं सकते मेरे दोस्त, तुम ऐसे नहीं टूट सकते, तुम्हारे को लोग एक आइडल फिगर देखते हैं, तुम ऐसे टूटोगे तो कैसे काम चलेगा, तुम्हें स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा, मैं मानती हूं कि ये तुम्हारे लिए हार्ड टाइम, इट्स अ वेरी हार्ड टाइम, बट यू हैव टू स्टे स्ट्रांग, और तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो मेरे से शेयर करो, मैं दोस्त हूं तुम्हारी, और अच्छा दोस्त कौन होता है, सच्चा दोस्त यही होता है जो आपके खराब टाइम में साथ आए, अच्छे टाइम में भले ही ना आए आपके, पर खराब टाइम में आए वही सच्चा दोस्त है, अच्छे टाइम में तो दुनिया जाती है। और वो दूसरी बात बोलती है कि तुम्हारा लड़का जो है सरियोजा, उसका ध्यान कौन रखेगा बताओ, वो जब अपने फादर को देखेगा और देखेगा ऐसे फादर परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो कैसे काम चलेगा, 8 साल का 9 साल का बच्चा है, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है लाइफ, उसके लिए तुम्हें जीना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, वो तुम्हारी लाइफ को मीनिंग देता है, तो ऐसे हारो मत, क्योंकि वो देखती थी बहुत दुखी हो रहा, उसने कई बार इस चीज़ को देखा, मीटिंग वगैरह में जाता था वो देखती थी, ही वो टूट गया अंदर से। आदमी हो सकता है नॉर्मल काम करता रहे, दिन भर अपने काम करे, वर्क पे जाए, सब कुछ करे, पर जब वो टूट जाता है तो दिखाई दे जाता है, पहले बड़ा एनर्जेटिक था, एंथुजियास्टिक था, बट अब टूटा हुआ है, चेहरे में वो कशिश नहीं है, वो चार्म गया, जो आवाज़ में बुलंदी थी वो गई, तो अंदर से टूटा हुआ है, और प्रॉब्लम ये हो जाती है, मैन टूटता तो मैन बोलता नहीं है, फीमेल बेटर है, बोल देती है, एक्सप्रेस कर देती है, रो लेती है, पर मैन, मैन को सिखाया गया है, यू हैव टू, यू आर मैन, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, यू कैन नॉट शेड टीयर्स, तो हाँ प्रॉब्लम है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, कैसे करे, बट आज टूट गया, वो बोलता है रियली वेरी सैड, मैं थक गया हूँ लीडिया, थक गया हूँ, तो समझाती है नहीं, मैं मानती हूँ तुम्हारा हार्ड टाइम है, बट यू हैव टू स्टे स्ट्रांग माई फ्रेंड, यू हैव टू गो थ्रू इट, और तुम्हें इस सर्कमस्टेंस को ओवरकम करना पड़ेगा, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, एडवर्सिटी है बट यू हैव टू ओवरकम इट। यहाँ पे हमें एक चीज़ मालूम पड़ती है कि लाइफ में एक सच्चा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शायद लीडिया नहीं होती तो वो बिल्कुल टूट जाता, बहुत एक्सेसिवली वो डिप्रेस हो जाता, बट एक सच्चा दोस्त होने की वजह से उसके अंदर एक ताकत आती है, उसे लगता है कोई है इस दुनिया में, ली हम सबकी एक बहुत चाहत है अंदर, कोई तो हो जो हमारे दिल की बात सुने, एक ही इंसान हो पर कोई तो हो यार, कोई तो हो जिसको हम सच में एक्सप्रेस कर सकें, अपने दिल की बात बोल सके, परेशान था, बहुत अकेला था, पावरफुल आदमी है, कनेक्शंस हैं, बट एक इंसान नहीं है दिल की बात जिससे कर सके, लीडिया नहीं होती तो बहुत परेशान हो जाता, तो लीडिया ने एक तरीके से उसे बिल्कुल दलदल में से निकाला है,
और ऐसा नहीं कि उसने कोई उसको बहुत फाइनेंशियल हेल्प कर दी हो या कोई उसको बहुत लॉफुल हेल्प कर रही है, कुछ नहीं, सिर्फ उसकी बात सुन रही है, वहाँ प्रेजेंट है। एक सच्चा दोस्त होता है जो राइट टाइम पे आपके लिए प्रेजेंट है, जब एडवर्स कंडीशंस हैं तो उस टाइम पे उसका होना ज़रूरी है, सिर्फ आपको सुन ले। क्योंकि आदमी जब दिल की बात बोलता है उससे हल्का हो जाता है, बहुत सारे गम सिर्फ बोलने से ही बहुत हल्के हो जाते हैं। आज रात को एलेक्जी को ठीक से नींद आती है, बहुत लंबे टाइम से सोया नहीं है ठीक से, लेकिन आज जब दिल की बात बोलता है, सब बताता है उसको, ही स्लीप्स पीसफुली। अब ये भी होता है कि लेटर आता है ऐना का एलेक्जी के पास, ठीक है, उसमें ऐना लिखती है कि अब ऐना भी वापस आ गई है, ऐना और रॉन्स की यूरोप गए थे, घूम के वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐना लिखती है कि मुझे अपने लड़के से मिलना है, तो मुझे परमिशन चाहिए तुम्हारी, या तो आप उसको बाहर भेज दो किसी के साथ, या फिर मैं घर पे आ जाती हूँ, मुझे टाइम बता दो, बट मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अब एलेक्जी वो लेटर उसको देता है, लीडिया को, लीडिया पढ़ती है, तो लीडिया कहती है हम उसको मिलने नहीं देंगे ऐना को, और उसको कोई हम रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, ठीक है, हम नहीं मिलने देंगे उसको। अब वो पूछता है क्यों नहीं मिलने देंगे, क्योंकि वो तो उसकी मदर है यार, यह नहीं कर सकते, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो मॉरलिटी के खिलाफ है। तो अब लीडिया उसको समझाती है, तुम कितना दयावान बनोगे, कितने दयावान बनोगे, तुमने उसको एक बार समझाया, उसको माफ़ी दी, सब कुछ हुआ, लेकिन देखो तुम्हारे साथ क्या कर रही है, अरे लवर के साथ यूरोप घूम रही है, तो कब तक उसे तुम ऐसे उसके लिए दयावान बनते रहोगे, कब तक उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखोगे, वो तुम्हारी परवाह कर रही है जो तुम उसको इतनी दरिया दिली दिखा रहे हो। तो कहती नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है उसको मिलने की, तो उसको लेटर लिखती है, लीडिया लिखती है। अब उसमें लेटर में क्या लिखती है, वो लिखती है कि ऐना मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम अपने बच्चे से मिलने आओगी तो बच्चा बहुत डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस पूछेगा, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो इसलिए बच्चे की भलाई के लिए और एलेक्जी की भलाई के लिए भी बेटर है कि तुम ना ही आओ। अब वो लिख देती है, मना कर देती है ऐना को। अब थोड़ा सा टाइम निकलता है तो ये मालूम पड़ता है कि जो एलेक्जी है इसको प्रमोशन मिलता है काम में। काम तो मैंने आपको बोला था वो बहुत लगन से और बहुत दिल से बहुत अच्छे से करता था, उसको प्रमोशन मिलता है। लेकिन जिस उसको प्रमोशन मिलता है ना, उसको मेडल देते हैं, तो वहाँ दिखाया गया कि दुनिया का जो एटीट्यूड है वो कैसे चेंज हो रहा है। लोग पीठ पीछे बातें कर रहे हैं कि देखो काम तो बहुत बड़ा कर लिया, करियर में बहुत आगे निकल गया, पर अपना घर नहीं संभाल पाया, घर नहीं संभाल पाया अपना, क्या फ़ायदा ऐसे करियर में ग्रो करने का, ऐसे काम करने का। तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वाइफ तो उसी किसी और के साथ चली गई, क्या फ़ायदा ऐसे मेडल जीतने का। तो लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, दे मॉकिंग पीठ पीछे। तो पहले वही लोग जो बड़ा उसको आइडल वाइडल मानते थे, आज उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और जो एलेक्सी है वो उस चीज़ को सेंस कर लेता है, ठीक है, वो उस चीज़ को सेंस कर रहा है कि लोगों के एटीट्यूड में चेंज आ रहा है, जो नज़रें हैं लोगों की वो बड़ी एक मॉकिंग स्टाइल में है, उसका शायद मजाक उड़ाने वाले अंदाज में है, बट नाउ ही इज़ यूज टू इट, क्योंकि वो उस चीज़ को जान चुका था कि मैं लोगों को चेंज नहीं कर सकता, मैं अपनी लाइफ में जो चीज़ें मेरे हाथ में हैं मैं उनको कंट्रोल कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट कंट्रोल एवरीवन। यहाँ पे भी एक चीज़ दिखाई गई है, जो लीडिया है वो आती है जहाँ पे जब उसको मेडल सेरेमनी हो रही है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है, जेन्युइनली खुश होती है वो, और बोलती है कि आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ यू एलेक्जी। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, जो सच्चा दोस्त होता है ना वो आपकी खुशी में खुश होता है, क्योंकि लीडिया की जो चेहरे पे खुशी थी वो जेन्युइन थी, और एलेक्जी को देख के समझता है कि सच में जेन्युइनली मेरे लिए खुश है। जो सच्चा दोस्त होगा आपकी खुशी में खुश होगा, वो आपके राइज करने में खुश होगा, और जो बाकी लोग हैं जो सिर्फ सही टाइम में आपके साथ हैं और जैसी खराब टाइम आया तो आपका मजाक उड़ाते हैं, वो दिख जाता है। तो यहाँ पे बार बार चीज़ दिखाई दे रही है कि ट्रू फ्रेंड कौन होता है और ट्रू फ्रेंड की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, जिससे उसको स्ट्रेंथ मिलती थी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ मिलती है एलेक्जी को, कि यार कोई तो है जिससे मैं अपने दुख सुख शेयर कर सकता हूँ, कोई तो है जिसके सामने मैं बिल्कुल जेन्युइन रह सकता हूँ। तो यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रू फ्रेंड दिखा रहा है टॉलस्टॉय। अब एक चीज़ और होती है, जो सरियोजा है ऐना का लड़का है, उसको जैसा कि मैंने बताया मिलने के लिए मना कर दिया जाता है कि ऐना उससे मिलेगी नहीं, और सरियोजा को ये चीज़ बताई जाती है कि तुम्हारी जो मदर है उसकी डेथ हो गई है। लेकिन सरियोजा इस बात को मानता नहीं है, वो कहता है मेरी मदर की डेथ नहीं हो सकती, क्योंकि सरियोजा इस चीज़ में बिलीव करता है जो अच्छे लोग होते हैं ना वो मरते नहीं हैं, दुनिया में जो खराब लोग हैं सिर्फ वही मरते हैं, तो वो इस चीज़ को मैं बिलीव करता है। सब उसको ये बताते हैं कि तुम्हारी मदर की डेथ हो गई है, बट वो मानता नहीं है, वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ बहुत अच्छी है और अच्छे लोग मरते नहीं हैं, सिर्फ खराब लोग मरते हैं, वो इस थॉट प्रोसेस में बिलीव करता है, और उसको अभी भी लगता है कि मेरी मदर एक दिन आएगी, मुझसे मिलने ज़रूर आएंगी। अब अगले दिन इसका बर्थडे होता है सरियोजा का, तो रात को ये सोने जाता है ना, जब नेक्स्ट डे बर्थडे है, तो ये रात को
आंख बंद करने से पहले ना ये अपनी मदर को वहां देखता है, एना को, और बहुत खुश होता है कि मेरी मदर यहाँ पे है। और वो जब आंख बंद करता है तो लास्ट थॉट अपने आप से बोलता है, कल मेरा बर्थडे है, कल मेरी मम्मी ज़रूर आएगी मुझसे मिलने, मम्मी हमेशा मेरे बर्थडे पे आती है, वो कल ज़रूर आएगी मुझे पता है। बच्चे की एक साइकोलॉजी कैसे एक काम करती है ये टॉल्स्टॉय दिखाता है, बहुत अच्छे से दिखाता है। अब कहानी आती है व्रॉन्स्की पे, अब व्रॉन्स्की पीटर्सबर्ग आ गया है, अब व्रॉन्स्की का बड़ा भाई होता है, उससे मिलता है, वो पूरी बातचीत होती है कि कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप, ये वो सब बात हो जाती है, बट एना के बारे में वो टॉपिक छेड़ता नहीं है बड़ा भाई, क्योंकि वो जानता था जब एना के बारे में अगर मैं टॉपिक छेड़ूंगा कुछ, मैंने ऐसी बात बोल दी तो व्रॉन्स्की फटाफट रिटेलिएट करता है, व्रॉन्स्की को पसंद नहीं है कोई एना के बारे में थोड़ा भी इधर उधर बात करे। एक दिन निकल जाता है, अगले दिन थोड़ी बातचीत होना स्टार्ट होती है एना के बारे में, तो व्रॉन्स्की ये बात बोलता है कि देखो एना ना मेरी वाइफ की तरह है, मैं उसको बिल्कुल अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करता हूँ, तो जैसे तुम दुनिया में बाकी लोगों की वाइफ को रिस्पेक्ट करते हो ना, बिल्कुल ठीक उसको वैसे रिस्पेक्ट करना, मैं कोई भी उसके खिलाफ गलत शब्द नहीं सुनूंगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे तुम भी हो, चाहे मेरी मदर हो। अब वो ये बात जानता था व्रॉन्स्की कि उसके लिए सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आसान है अभी भी, लेकिन एना के लिए एक्सेप्टेंस आसान नहीं थी, एना के लिए एक्सेप्टेंस आसान नहीं थी, सोसाइटी एना को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, एक बार व्रॉन्स्की को फिर भी एक्सेप्ट कर रहे थे लोग, एना को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और ये चीज व्रॉन्स्की को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, क्योंकि वो एना से प्यार करता था, और जिससे आप प्यार करें और उसे दुनिया अगर एक्सेप्ट ना करे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो वो ना कोशिश करता है जानने की कि सोसाइटी में क्या एटीट्यूड है लोगों का एना की तरफ, तो पहले वो अपनी मदर के पास जाता है, लेकिन देखता है कि जो मदर का एटीट्यूड है वो अभी भी नेगेटिव है, मदर को था कि इसकी वजह से उसने अपना करियर बर्बाद कर लिया, अपनी आर्मी की जॉब छोड़ दी, तो मदर का तो ओपिनियन बहुत अच्छा है नहीं। फिर वो जाता है अपने बड़े भाई की वाइफ के पास जो उसकी भाभी है, उनसे बात करता है, क्योंकि जो उसकी भाभी थी उसको काफ़ी सपोर्ट करती थी, तो उसको लगता था कि शायद ये तो अच्छा ओपिनियन रखेंगी, तो उसकी भाभी बोलती हैं कि देखो मुझे एना से कोई प्रॉब्लम नहीं है व्रॉन्स्की, बट मैं एक चीज़ बता दूँ कि दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये तुम भूल जाओ, तुम सोच रहे हो कि टाइम बदल गया है, दुनिया बदलती है, सोसाइटी प्रोग्रेसिव होती है, वो कहती कितनी भी सोसाइटी प्रोग्रेसिव हो जाए तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी बट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये ध्यान रख लेना। और मैं भी तुम्हें एक बात बता दूँ, सब कुछ ठीक है बट मैं नहीं चाहूँगी कि एना मेरी लड़कियों से मिले, क्योंकि मेरी लड़कियों में खराब इंप्रेशन पड़ेगा, मैं नहीं चाहूँगी मेरे घर पर डिनर पर आए, क्योंकि मेरा हस्बैंड है, मेरी दो लड़कियाँ हैं, उन पर खराब इंप्रेशन पड़ेगा। तो जब रॉन्स की बात सुनता है उससे बड़ा खराब लगता है, यार वो प्यार करता था एना से, और जब वो ये सब चीज़ें सुन रहा है, देख रहा है, महसूस कर रहा है कि दुनिया में लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सोसाइटी तो बाद में आएगी, पहले घर वाले ही नहीं कर रहे, उसकी मदर नहीं कर रही, उसकी भाभी नहीं कर रही, तो दुखी है, सैड होता है बहुत जब उसको ये चीज़ मालूम पड़ती है। अब एना की बात करते हैं, एना जब ये लेटर पढ़ती है कि उसको मिलने नहीं दिया यारा उसके लड़के से सरियोजा से, और कल बर्थडे है उसका, तो बड़ी परेशान होती है, एकदम से उसे खराब लगता है बहुत, एकदम से उसका मूड चेंज होता है, अभी तक वो ठीक थी, एकदम से उसे बहुत सैडनेस वाली फीलिंग आती है कि यार मेरा बच्चा है, मेरा लड़का है, उसको मेरे से मिलने से कैसे रोक सकते हैं। वो कहती है मैं रात को जाऊंगी और रात को जाके मैं कुछ पैसे दे दूंगी वहाँ पे जो सर्वेंट है घर में, तो मुझे अंदर जाने देंगे। तो रात के टाइम जाती है, ठीक है, ऐसे छुप छुपा के जाती है, ठीक है, नकाब वगैरह कर लेती है ताकि कोई पहचान ना पाए। तो घर में पहुँचती है तो उसने चेहरा छुपाया हुआ है अपना, तो वहाँ डोर पे बंदा होता है, डोरमैन होता है, तो उसको कुछ पैसे देती है, कहती है मुझे अंदर जाना है, तो कहता आप कहाँ जाना चाहती हैं, बताती नहीं है मैं ना, चेहरा उसने नकाब कर रखा है, चेहरे को ढका हुआ है। तो वो कहता है कि मैडम आप किससे मिलना चाहती हैं, तो वो बताती है कि एक यहाँ पे एक प्रिंस है जो एलेक्जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, और कल लड़के का बर्थडे है तो कुछ मैं उसको प्रेजेंट देने आई हूँ, एलेक्जी के लड़के का बर्थडे है तो एलेक्जी के फ्रेंड है वो प्रिंस, उनकी साइड से मैं कुछ गिफ्ट वगैरह देने आई हूँ, लड़के से मैं थोड़ी देर मिलूंगी फिर चली जाऊँगी, और कुछ पैसे दे देती है डोरमैन को, ब्राइब करती है उसको, तो कहता है ठीक है जाओ। तो अंदर जाती है, अब सरयुजा जो है वो थोड़ा नींद में था, ठीक है, लेकिन नींद में हल्का सा उठता है तो वो देखता है उसकी मम्मी खड़ी है वहाँ पे है ना, और लगभग सुबह का टाइम हो चुका है, अभी अभी नींद से उठा है वो, लेकिन हल्की सी नींद में है, लेकिन जैसे ही वो मदर को देखता है तो बड़ा खुश होता है, मम्मी मम्मी आप आ गई, मैं तो मुझे मालूम था आप आओगे, मुझे पता था आप आओगे, ये लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे बट मुझे पता था आओगे, आप आ गए ना। गले वही लग जाती है उसके, बहुत गले लगती है, और दोनों रोते हैं, माँ और बेटा दोनों रोते हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिल रहा है उससे,
बहुत टाइम बाद मिला है सरयोज अपनी माँ से और ऐना अपने लड़के से। तो बोलता है रोते रोते, मम्मी पता है ये लोग क्या कहते थे, क्या कहते थे आपके बारे में? तो ऐना कहती है, क्या कहते थे? कि यही कि मेरी डेथ हो गई है। तो सरयोजा कहता है हाँ हाँ यही बोलते थे। तो ऐना कहती है, तुमने माना कि मेरी डेथ हो गई थी? कहता नहीं मम्मी नहीं, मुझे मालूम था डेथ नहीं हुई आपकी, मैं जानता था आप आओगे मैं जानता था। और दोनों माँ बेटा फिर गले लग के रोते हैं, खुशी के आंसू हैं। आज बर्थडे है, इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा, माँ है उसकी, कुछ भी हो जाए माँ माँ रहती है। और आज सरयोजा बहुत खुश है, सबसे बड़ा उसको गिफ्ट मिल गया उसके बर्थडे का, उसकी माँ उससे मिलने आ गई। तो यहाँ पे ये सीन ख़त्म होता है और इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म होता है। जल्दी ही आऊँगा अगली वीडियो में आपके साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको नरेशन कैसा लग रहा है। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।